रहीम अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में मैं आपको लसबेला उत्तल में काश्त केले की फ़सल की विजिट कराऊंगा और आज केले की फ़सल की कटाई भी की गई है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसके साथ साथ केले की फ़सल के बारे में चंद मुफीद मालूम भी आपको बताऊँगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस वक्त हम केले की फसल के अंदर मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि नए सकर्स भी निकले हुए हैं और इसके साथ साथ कुछ केले के पौधे जवान भी हैं और कुछ पौधों पर फ्रूट भी मौजूद है आज केले के फ्रूट की कटाई भी की गई है आगे वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वक्त लसबेला उत्तल में उत्तल में तकरीबन बीस से पच्चीस सालों से केले की दो वाइटीज़ काश्त की जाती हैं इन में आस्ट्रेलिया वरायटी और बम्बई वैरायटी शामिल हैं इन में ऑस्ट्रेलिया वैरायटी बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट की गई थी और बम्बई वैरायटी बेसिकली इंडिया के शेयर बम्बई से इंपोर्ट की गई थी इसीलिए इन दोनों वैरायटीज का नाम ऑस्ट्रेलिया और बम्बई रखा गया है ये वैरायटी बेसिकली जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया वैरायटी ही है इस वैरायटी का फ्रूट का साइज़ बम्बई वैरायटी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसका फ्रूट खाने में लजीज और जायकादार होता है इसी वजह से मार्केट में इस वैरायटी की काफ़ी डिमांड है और डिमांड होने के साथ साथ इसमें मार्केट में इसको अच्छी प्राइस भी मिलती है और इस वैरायटी वैरायटी में गर्म मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए कि गर्मियों में इसको पानी की मकदार काफ़ वाफर में चाहिए जबकि सर्दियों को किसी हद तक बर्दाश्त कर लेती है जबकि बंबई वाइटी जो कि कद में छो छोटा होने के साथ साथ इसमें गर्मियों और डाउट कंडीशन में किसी हद तक रेजिस्टेंस मौजूद है लेकिन ये वैरायटी ज़्यादातर बर, सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर सकती और टम्परेचर जैसे ही गिरता है तो इस वाइटी को काफ़ी नुकसान होता है लसबेला उतल में लसबीला उथल उत, में केले की फसल के अलावा कोई दूसरी फसल आठ से नौ साल पहले नहीं लगाई गई थी या अगर कोई फसल मौजूद थी तो हो ना होने के बराबर है लेकिन जैसे जैसे बिजली की लोड शेडिंग का दौरान या बढ़ता गया केले की फसल ख़त्म होती चली गई क्योंकि केले की फसल 80 से नब्बे परसेंट पानी पर मुश्तम है और इस इस फसल को पानी काफ़ी वाफर मकदार में चाहिए लेकिन इसके बावजूद उत्तल लसबेला की ज़मीन काफ़ी जरखेज़ है और इस वक्त ये फ़सल जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन फ़सल है और केले की फ़सल वो वाद फ़सल है जिसमें तैयार होने के बाद किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता क्योंकि इसमें अखराजात बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं अगर किसी फार्मर के पास तीन से पाँच एकड़ केले की फ़सल है तो वो कम अज़ कम एक लाख माना आराम से कमा सकता है अगर आपके पास दो सोलर बोर मशीनें हैं तो आप इस बिजली के लोडश से भी जान छुड़ा सकते हैं और आपका अगर एरीगेशन का मेथड यानी जो पानी देने का फसल को जरिया है वो अगर पाइप लाइन है तो आप आराम से पाँच से आठ एकड़ केले की फसल काश कर सकते हैं अगर किसान की फसल अच्छी है और माहाना दो कटाई करता है तो किसान चार से दो लाख के दरमियान आमदनी कमा सकता है बशत आपकी फ़सल अच्छी होनी चाहिए और मार्केट में केले की प्राइस भी अच्छी होने होनी चाहिए जब भी आप न्यू फसल लगाएं तो उस फसल के सकस रेजिस्टेंस होने चाहिए और उनकी कंडीशन भी अच्छी होने चाहिए यानी सेहतमंद होने चाहिए और इसके साथ साथ डिजीज़ फ्री होने चाहिए इस वक्त लसबेला में मुख्त बीमारियों का अटैक भी है इसके लिए फ़सल में जिसमें बीवीटीवी जो कि एक वायरस है एंथ्रकनोज़ विल्ट बैक्टीरियल और नीमाटोल शामिल हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी नई फसल लगाएँ तो उसके लिए लैंड प्रिपरेशन और एरीगेशन मेथड और अच्छी फ़र्टाइल ज़मीन में लगाएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अगली वीडियो में मैं केले की फ़सल के में आने वाली मुख्तलफ़ बीमारियों के बारे में तफसल से आपको बताऊँगा इसीलिए अगर आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेलाइकन के बटन को प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़